नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, वाराणसी की आत्मा की खोज में, जहां हम 1905 में गंगा नदी के किनारे खींची गई अद्भुत तस्वीरों के माध्यम से इस प्राचीन शहर की खूबसूरती को देखेंगे। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र है। गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का मन मोह रहा है। यहाँ के घाट और मंदिर भारतीय इतिहास और धर्म का गहरा प्रतिनिधित्व करते हैं। 80 घाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 80 और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। यह शहर का सबसे दक्षिणी घाट है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं और पूजा करने से पहले दो विशाल लिंगों की आराधना करते हैं। इन लिंगों में से एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित है और दूसरा, जो असी संगमेश्वर, 80 के संगम का देवता के नाम से जाना जाता है, घाट के पास एक छोटे संगमरमर के मंदिर में स्थापित है। बट्सराज घाट पर दो जैन मंदिर स्थित हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित वाराणसी हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक है, लेकिन यह जैन धर्म के लिए भी पवित्र माना जाता है। जैन परंपराओं के अनुसार यह 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है और इसे जैन धर्म के पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। गई घाट। 12वीं शताब्दी में यह घाट वाराणसी का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता था और आज भी उस समय के प्रतीक चिन्ह पटना दरवाजा को संजोए हुए है। इस घाट का नाम यहाँ स्थित एक विशाल पत्थर की गाय की मूर्ति से लिया गया है, जो हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। केदार घाट। यह घाट पौराणिक रूप से हिमालय में स्थित केदारनाथ से जुड़ा है, जो भगवान शिव का पर्वतीय निवास स्थल है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। घाट की सीढ़ियों के ऊपर केदारेश्वरम लिंगम का मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर लाल और सफेद धारियां दक्षिण भारतीय प्रबंधन का संकेत देती है। सावन, जुलाई, अगस्त वर्षा ऋतु के पवित्र महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पंचगंगा घाट पर मस्जिद। इस घाट पर स्थित मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब शासनकाल 1668 से 707 ने करवाया था। यह मस्जिद पहले के एक विष्णु मंदिर, जिसे बिंदु माधव के नाम से जाना जाता था, की जगह पर बनी थी। शायद यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे माधो राय की मस्जिद कहते हैं। मस्जिद के निर्माण में उस मंदिर के कुछ हिस्सों का भी उपयोग किया गया था। यहाँ दिख रहे मीनारों का जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था और अस्थिरता के कारण उन्हें बाद में सरकार द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया। ललिता घाट पर नेपाली मंदिर। यह मंदिर नेपाल के राजा के आदेश पर काठमांडू शैली में बनाया गया था, जिसमें नेपाल से लाए गए लकड़ी और लकड़ी के कारीगरों का उपयोग किया गया था। इस मंदिर में पशुपतिनाथ घाटी में भगवान शिव के रूप में पशुपतेश्वर की एक प्रतिमा स्थापित है। रणा महल घाट के पीछे एक प्राचीर वाला महल है, जिसे उदयपुर के महाराणा ने बनवाया था। शिवाला घाट महाराजा चेत सिंह के महल से प्रभावित है। मुंशी घाट का निर्माण मुंशी श्रीधर द्वारा किया गया था, जो नागपुर के राजा के दीवान थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा वाराणसी की आत्मा की 1905 की फोटोग्राफी के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको वाराणसी के बारे में और क्या जानना है। धन्यवाद।